हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सरवत गिलानी। आई होप आप लोग सब ठीक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। आपको पता है एशिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि हम इसका ख्याल नहीं रख रहे। हम अभी भी बाहर जा रहे हैं, अभी भी इतनी वीडियोस आ रही हैं जहां लोग मार्केट्स में घूम रहे हैं जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। तो प्लीज आप जितने भी लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपने लोगों को और फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को सबको बताएं कि ये बहुत डेंजरस एक सिचुएशन है और ये बहुत डेंजरस नंबर है जो एस्केलेट कर रहा है, जो बढ़े जा रहा है। तो इसको हम कंट्रोल सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम मिल के अपने घर में रहें। वैसे तो छुट्टियों के लिए हम मर रहे होते हैं, लेकिन अब जब छुट्टियां मिल गई हैं तो हमारा बस नहीं चल रहा कि हम बाहर भागे। सो प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन को जरूर रिस्पेक्ट करें ताकि ये हमारी मदद करे इवेंचुअली। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं रमजान करीम की बंटिंग्स, ठीक है ना? तो उसके लिए मुझे आपसे कुछ कलर पेपर दरकार है। अगर कलर पेपर नहीं है, ग्रीन कलर मोस्टली हम यूज कर रहे हैं, ग्रीन कलर का कोई भी शेड हो। मेरे पास ये ऐसे 3-4 शेड्स हैं तो मैंने उन तीनों को रख लिया है। एक कटर, एक सीजर और मैगजीन्स में से हम ये अल्फाबेट्स निकालेंगे और कोई भी रंग का धागा, ठीक है ना? सो अगर हमारे आपके पास कलर पेपर नहीं है तो बच्चे वो उसको कलर कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई विल सी यू एट 5 o'clock। वी आर मेकिंग रमजान करीम बंटिंग्स। आई होप यू एंजॉय इट एंड मेक देम एट होम ऑल्सो। सी यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये ले आ रही, कलर करें। व्हाट कलर डू यू वांट? येलो कलर, वेरी गुड। रोहान, यू कैन डू लॉट्स ऑफ कलर। ओके ओके गाइस, सो हमारे पास कोई भी कलर का पेपर हो, चाहे वो ग्रीन्स में हो, येलो में हो, कुछ भी हो, हमने बच्चों से उसको कलर कराना है। ठीक है, सो हम बहुत सारा कलर करेंगे। ये मैं आपको काटना बाद में सिखाऊंगी, इसके डायमेंशंस भी बाद में सिखाऊंगी, बट क्योंकि बच्चे एक्साइटेड हैं कलर्स देख के तो हम पहले कलर्स करेंगे। बिग बिग स्ट्रोक्स रोहान, बिग स्ट्रोक्स, लुक नाइस। आरिज, व्हाई डू यू स्टार्टिंग? सो रोहान, डू यू नो व्हाट इज रमजान? So Ramzan is a holy month which Allah loves a lot. Why? Because it is the month where He tells us how poor people live. So we are, you know how Dadda keeps rozas? Dadda keeps rozas and Nanna keeps rozas and Baba keeps rozas. We all keep rozas. Even I keep rozas. Yes, inshallah. Even me? Yes, no, even you. You do yours. You do it on your paper. No. Arish, please setting नहीं करनी, हमें coloring करनी है. Please, Aju. Can I do it? Rohan, can you have that? But we're not supposed to hog on all the colors, na? Rohan, see, the best part is you can do it with the hand. Rohan, please, can I have that? Okay. So give me blue. R A M Z A N. Ramzan. और छ ये हो गए, एम यू बी ए आर ए के, और सात ये हो गए। तो 13 पेपर्स आपने इस तरह इनको कलर करवाना है, ठीक है, बच्चों से। और फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी कटिंग क्या है, पेस्टिंग क्या है एंड ऑल दैट। रोहान, आर यू? वी कांट डू सो स्लोली बिकॉज वी हैव टू डू मेनी। लुक, वी हैव टू डू मेनी, right Rohan? Yeah, right. So then we need to do many. No, Arez, we're sharing. Sharing is caring. Mama, can I share? Mama, I'm shutting. Oh, please don't shut. Can you give me one color? No, Mama. Arez, please, we are sharing, Janu. No, okay, Mama. If you share, what will happen? What will happen if you share? Mama, please. We all will enjoy if you share. Mama. Yes. You know what happened to the selfish kitten? What happened? Nobody wanted to play with the selfish kitten. Mama, this is all my good paper now. So you hold the paper, child. One hand, you hold the paper. But again, it's going. Hold it tight. You have to hold it. See, I'll tell you. Like this.
and you do it slow, the strokes according to. Arif, तुम पैक करके कहाँ लेके जा रही हो ये? Hospital. See, to the hospital. Who is in the hospital? Look. Mama. But mama is with you right here. What is mama doing in the hospital? अच्छा बताएं तो मामा क्या कर रही है हॉस्पिटल में? Bunch. Oh look, what's happening on your hand? So chalk pastels can come on your hand also. ठीक है जी. आप लोग ओ गिर जाएगा जानी. आप लोग पेंट भी करा सकते हैं, कलर पेंसिल भी करा सकते हैं, क्रेयॉन भी करा सकते हैं. द होल आइडिया इज दैट दीज बंटिंग्स शुड लुक वेरी बिकॉज दैट इज द होल आइडिया. डोंट माइंड, आई डोंट वांट टू टेल मी व्हाई यू ऑलवेज से दिस दैट्स द होल आइडिया. दैट्स द होल आइडिया. आई डोंट लाइक इट. You don't like it? Yeah. I shouldn't say it? Yeah. So tell me another word. What should I say? That's the idea for kids to be chilling. Chilling? Chilling is not a kid's word. Is it an adult's word? It's an adult. No, it's kid's word. Chilling is kid's word? Okay, chilling is kid's word. Okay, Rohan, that's amazing, but I need to see that entirely color. Okay, Rohan. Aju, we have to behave ourselves, right? ठीक है जी. I'm just doing this casually. आप लोग मैं इस पे बस casually color कर रही हूँ because I want this to. I mean, I just want to give you an idea कि आप क्या कर सकते हैं. बाकी आपको जितना इस पे कलर पे मेहनत करनी है आप अच्छा कलर भी कर सकते हैं, उस पे रेड कलर्स भी कर सकते हैं, जो कलर्स आपको भाई आप कर सकते हैं. रोहान, दैट्स अमेजिंग. रोहान, आरेज, आपने तो कलर ही नहीं किया. चौक पेस्टल का ये है कि ये जल्दी जल्दी कलर हो जाता है एंड देन यू कैन जस्ट मिक्स इट विथ योर हैंड. ठीक है रोहान, आई हैव डन 1, 2, 3, 4, 5, 6. And you're still on the floor. No, Mama, because you rubbed it around. That's cheating. Okay, you can also rub it around. No, because I. Are no shouting. That's nice. You didn't share colors and you did not do any work with us. But you are also there to play with him. ठीक है जी, हमारे ये इतने सारे ये देखिए कितने मजे मजे के कलर्स हो गए हैं. देख रहे हैं आप, इसमें कलर नहीं नजर आ रहा. मेक श्योर करें वो कलर्स आप करें जो नजर आए थोड़े से, अगर स्पेशली आप कलरफुल पेपर्स ले रहे हैं. ठीक है ना, अगर व्हाइट पेपर्स ले रहे हैं नथिंग लाइक इट. Really good, Rohan. I'm so proud of you. Not proud of Ali? Well, I'm proud of him, but he didn't give me so much time today. Okay, so that is 7. I wonder baki ke kaam hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We should have 13. So another 7 we need to cut out. Mama, the papers are mine. So are you going to start fasting this year? You know what's fasting? No. We stay hungry for a few hours so that we can understand how poor people, when they don't have food, how do they feel? Bad. Yes. So it teaches us to not waste food and give poor people food, right? You should, if you're going to a naan wala to pick up naan, you can give some food. But Mama, yeah. Why did
did the dinosaurs die from a million years ago? Because you see, dinosaurs were really powerful animals. So if dinosaurs were living here, do you think they could live here with us? Oh, but you're kind of a few centuries late on that. Because I wanted to play with baby raptor. Baby raptor, okay. And which one else? Which else? You. I am a dinosaur. I can be a dinosaur when you get me angry. Okay, theek hai ji, hamari papers color ho gaye hain. Almost. Mama, they look so cute. And then I've left one with the print. ये मेरे पास stars का एक बहुत cute था, उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया है. एक green color को. Rohan, please don't break them. These are new. No. Does it come easy in your hands then? Yeah. Okay, that's fine then. बेवकूफ बनाने में बच्चे पूरे मांगे रहते हैं माँ बाप. ठीक है जी, अब हमारा ये हो गया है. मैं आपके पास वापस आती हूँ दो मिनट में अपनी चीजें सेट कर. ओके गाइस, सो हमारे ये सारे पेपर्स कलरफुल पेपर्स बन चुके हैं थैंक्स टू ऑल द किड्स. ये हमने उनसे सबसे कलर करा लिए हैं. तो आपके पास अगर कोई भी वाइट शीट भी हो, जस्ट मेक श्योर कि आप बच्चों से कलर करा लें. ठीक है, अब मैंने इसको एक मीनार की तरह काटा है. वो कैसे काटा है वो मैं आपको बताती हूँ. आपने दो तीन पेपर्स लिए एक साथ, ठीक है, उनको फोल्ड किया, थोड़ा ऊपर से प्रेस किया और फिर आपने इस पे करीब लाइएगा, यूं करके तीन, एक दो तीन, हाँ सही, और फिर आपने यूं मीनार बनाया. ठीक है जी, ये देखिए, इट्स वेरी सिंपल. और मेक श्योर कि आप दो तीन कागज एक साथ करें ताकि वो एक जैसे कटे. ठीक है, इसको हमने वेरी स्मूथली वेरी नीटली हमने इसको काट लिया है. अच्छा, मैं अब ऑल्टरनेट डेज क्लासेस करूँगी क्योंकि मेरे कुछ काम हैं जो आप लोगों के लिए मैं करना चाह रही हूँ, बट वो इस क्लास की वजह से हो नहीं पा रहे हैं. सो उन चीज़ों पे भी मुझे ज़रा टाइम निकालना है. और देखिए कितना अच्छा मेरा मीनार कट गया. ठीक है जी, दिस इज इट. हमने इसी तरह अपने ये मीनार भी काटे, ये भी काटे. इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर दूंगी जैसे बाकी सारे. आप ये भी कर सकते हैं या फिर आप एक को रख के ट्रेस करके कर सकते हैं, व्हिच एवर वन यू फाइंड इजी. ठीक है, फिर मैंने लिए एक प्लेन पेपर, येलो पेपर, और उस पे मैंने ये रमजान मुबारक का सारे अल्फाबेट्स लिखे और इनको काट दिए. दे आर फेयरली सिंपल, बट आई गेस मेरे लिए इसलिए सिंपल भी है क्योंकि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैम वहीदा ने हमें इंडस वैली में बहुत अच्छी टाइपोग्राफी सिखाई, थैंक्स टू ऑल माई टीचर्स. बट एट द सेम टाइम ये आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं. ठीक है ना, सो वी गोना स्टार्ट पेस्टिंग ऑल दीज अल्फाबेट्स. आई वॉन्ट टू फर्स्ट सी कि हम क्या कलर थीम रख रहे हैं, तो उस लिहाज से आप लोग भी रख के देखें ताकि आपको अच्छा लगे. आर ए एम जेड जी जेड विच आई वांट टू प्रेफर ए एन. सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि हर उसमें मेरे पास कुछ मजे के कलर्स हों. ठीक है जी, ये मैंने पिंक रख दिया. सो दिस इज रमजान, आर ए एम जी ए एन. ठीक है, रमजान हो गया. ये मैं इसको पेज के ऊपर एक रखती हूँ, सो आई कैन स्टार्ट माई पेस्टिंग. ओके, आर को हमने लिया.
इसको आप किसी भी उससे काट सकते हैं, किसी भी आप कलर का ये बना सकते हैं। ठीक है जी, मेक श्योर इट्स इन द सेंटर ऑफ द पेपर। आर बन गया, इसको सुखाने रखते हैं सूखने के लिए। मैं आपको दो किस्म के बनाना सिखाऊंगी, सो यू हैव एन ऑप्शन। आई रियली लाइक दैट आर ए एम जी ए एन, सो देयर आर सिक्स, सो आई कांट प्लेस दिस बीच में। ए को हमने इधर प्लेस कर दिया। देयर आर लॉट ऑफ फन, आप बच्चों के साथ बना सकते हैं, आप अडल्ट्स भी बना सकते हैं। It's just a way to welcome Ramzan in a nice way. R A M पे हम जाएंगे अब। इस ये भी काटना और इसको ड्रॉ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप इस पे और भी किस्म की डेकोरेशंस कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक, व्हाट योर चिल्ड्रन लाइक, एंड यू कैन डू दिस वेरी इजीली। It's a very nice craft. R A M C पे आएंगे। अच्छा, इस पे कुछ मार्क हुआ है, वो होना नहीं चाहिए, बट मुझसे अभी हट नहीं रहा, मेरा इरेजर बहुत ख़राब है। सारे मेरे इरेजर्स जो हैं वो रुहान ने अपने मुँह पे डाल डाल के उनको ख़राब कर दिया। ठीक है जी, Z A अच्छा, मैं बंटिंग्स भी आपको दो तीन किस्म की बताऊंगी, ठीक है ना, ताकि आपको जो अच्छे लगे आप वो ट्राई कर लें, बट नॉट टुडे, अनदर टाइम। एन एन इसको अगेन, आई वांट टू रिमूव इट बट वो हट नहीं रहा, सो जस्ट फॉरगिव मी। अगर इसको हम ऐसे नहीं N is one alphabet, जिसको आप उल्टा रखें तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। A lot of alphabet. ठीक है जी, रमजान हो गया हमारा। ये देखिए, मैं आपको रख के बताती हूँ। R ठीक है जी, रमजान हो गया। अब हम मुबारक करते हैं, और आई थिंक मुबारक में मुझे कुछ अल्फाबेट्स मिसिंग लग रहे हैं। हम बनो एम यू वी ए आर ए, ठीक है, सो एम यू वी A. So I have one A missing. I'm just gonna quickly do it in front of you so that you can also see the little stuff. I'm gonna take this same yellow paper, which was this. अच्छा, मैं जो मेरे पेपर्स बच जाते हैं जो कटिंग से, वो मैं सेव करती हूँ, बिकॉज दे ऑलवेज यू नो कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप पेपर को इस तरह वेस्ट ना करें और वो आपके काम आए बाकी चीज़ों में। ठीक है, हमने इसको फोल्ड किया। ये मुझे इसमें से मिल जाएगा, सो आई कैन ऑल्सो प्लेस दिस और जस्ट प्लेस इट एंड ट्रेस इट, बट मैं आपको करना सिखाती हूँ। मुझे सिर्फ इसकी वो चाहिए कि कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू है। ठीक है जी, सब हमने ये यूं बनाया डायगनल हल्का सा, इसको यूं बनाया, इसकी बेस आ गई, जस्ट पुट इट अप अगेन। अल्फाबेट्स तो हमने इतने देखे हैं जिंदगी में कि आपको रट जाने चाहिए ना कि कहाँ से कहाँ खत्म होना है। ठीक है, देयर यू गो, दैट्स एन ए।
प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू कैन डू. आप इसको पेंट कर सकती हैं, आप इसको जो आप चाहें, आप जिस तरह चाहते हैं कि वो वाला मीडियम यूज़ करना है, आप वो मीडियम यूज़ कर सकते हैं. देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. ठीक है ना जी. मुझे ऑस्ट्रेलिया से लोग फॉलो कर रहे हैं, कैनेडा से फॉलो कर रहे हैं, मस्कत से फॉलो कर रहे हैं, एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी दैट इतने सारे लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं एंड देर फॉलोइंग द आर्ट क्लासेस. एंड गिलगित से मुझे बहुत क्यूट क्यूट मैसेजेस आते रहते हैं, क्यूट बेबीज के. ऑल्सो अभी भी कुछ लोग मुझे वो नहीं कर रहे, टैग नहीं कर रहे, और जो कुछ टैग कर रहे हैं वो बच्चों के फेसेस पे टैग कर रहे हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट टैग द फेसेस अनलेस आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे सोशल मीडिया पे इतना आए, देन दैट्स फाइन. बट वो फिर भी आप किसी और तरह से उनकी शक्लें छुपाएं, क्योंकि वो टैग से इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं ना वो छुप जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. हमारा ये बन गया वेरी इजीली. अब हम इसको पेस्ट करेंगे. मैं जब तक पेस्ट करती हूँ आप अपना ये काम शुरू करें. आई बी राइट बैक आफ्टर पेस्टिंग. मुबारक. ठीक है जी. तो एज यू कैन सी हमने रमज़ान ऐसे लिख दिया है और उसको चुटकियों से चिपका दिया है. अब हम मुबारक को लगाएंगे. आपने स्ट्रिंग डालनी है किसी भी अपने कमरे के दरवाजे पे आप लगा सकते हैं, लाउंज के दरवाजे पे जहाँ पे सब रोज़ा खोलेंगे. सो दिस विल लुक रियली क्यूट. ये देखिए हमारा रमज़ान मुबारक की पेंटिंग्स कितनी क्यूट लग रही. आपके पास ये वाली चुटकियाँ नहीं है तो आप घर में जिससे कपड़े सुखाते हैं वो वाली चुटकियाँ यूज कर ले. इट रियली डजंट मैटर. आप इसमें छेद करके इसको भी इससे टाई कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है. हर चीज की पॉसिबिलिटी है. ठीक है. ये देखें हमारी रमजान मुबारक की बंटिंग्स कितनी क्यूट लग रही है. ठीक है. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. आई एम गोइंग टू शो यू अनदर वे ऑफ डूइंग दिस वेरी क्विकली. आपके पास जो भी मैगजीन्स हैं आपने से आप उसमें से आपने ये अल्फाबेट्स निकाल लिए हैं रमज़ान मुबारक के. ठीक है. तो अब हम पहले रमज़ान करेंगे और ए कोशिश करें कि जितने बड़े और बोल्ड लेटर्स हों वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस पर. कोई भी आपने पेपर आपने इसकी एजेस वैसे ही काट लेनी है जैसे ये काट सकते हैं. मेरे पास अभी टाइम नहीं था इसलिए मैंने काटा नहीं. आर ए एम और जी हमारे पास, हमने एन को जी बनाया था बिकॉज मुझे जी नहीं मिल रहा था. सो यू कैन डू स्टफ लाइक दैट टू. आर ए एम. इसको मैं थोड़ा सा और नीट काट लेती हूँ. मेक श्योर दैट इसकी एजेस अच्छे हों, नीट क्लीन ये कटे हुए हों. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट एक्चुअली. वी कैन यूज दिस वे. सो दैट्स रमजान एंड देन वी गो फॉर मुबारक. इसमें क्यूट लगता है कि जी आपने खुद हैंडमेड बनाया हुआ है. सो दैट लुक्स रियली क्यूट. इस पे भी आप बच्चों से कलरिंग करा सकते हैं बट आई प्राइमरीली वांटेड टू शो यू हाउ यू कैन राइट दिस. मेक श्योर करें कि आई नो टाइपोग्राफी और उसकी लेटिंग बहुत कर्निंग एक्चुअली बहुत करीब करीब होती है. सो मेक श्योर कि आप वो वाले का लें जो आपको ज़रा
क्लेयर मिले। मेक श्योर करें सब डिफरेंट हो ताकि अच्छे लगे, वो लगे कि आपने काट काट के इनको लगाया हुआ है। ठीक है जी, सो दैट्स अनदर रमजान मुबारक बंटिंग आइडिया दैट वाज वेरी इजी एंड इट्स वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये हमारी टाइपोग्राफी आ गई, इसको मैं संभाल के कहीं रख देती हूँ। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना प्लेस अनदर स्ट्रिंग ओवर देयर एंड शो यू हाउ टू। ठीक है, आपके पास कोई भी सॉफ्ट बोर्ड हो, सॉफ्ट बोर्ड नहीं है तो कहीं भी कील लगा के आप कर सकते हैं। द होल आइडिया इज के हम इसको लटका सकते हैं। ठीक है जी, हमने ये इसका एक एज लिया। इसको आप कुछ भी कलर कर सकते हैं। इसकी एजेस मुझे ऐसे अच्छे लगती हैं क्योंकि वो एक मिनरेट का एक यू नो सॉर्ट ऑफ मस्जिद के जो गुम्बद होते हैं उनको वो उस तरीके से लगता है। इससे क्या होता है कि आप बच्चों से बात कर सकते हैं, उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक मेरे पास दो चुटकियां कम हैं, सो आई जस्ट पेस्ट पेपर पिन, मैं पेपर पिन से भी लगा सकती हूँ इसको।
नो प्रॉब्लम। आपके पास भी अगर ये चुटकियाँ नहीं है, आप कोई भी स्टेशनरी जिससे ये लग जाए, that's another way of writing Ramzan Mubarak. This is another way of writing Ramzan Mubarak. This is something I really enjoy every time I do it with my kids. मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत क्यूट भी लगता है. हम आपको एक और तरीके से बंटिंग्स बनाना मैं सिखाऊंगी, लेकिन वो होगा एक दिन बाद. सो नाउ अब एवरी डे मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी ऑल्टरनेट डेज क्लास होगी. तो आज मेरी क्लास हो गई, अब मेरी क्लास परसों होगी, ठीक है ना. तो हम जुम्मे की ब्रेक लेंगे, व्हिच इज टुमारो, एंड डे आफ्टर ऑन सैटरडे वी विल कंटिन्यू विद आवर क्लास, ठीक है. हम कुछ और बंटिंग्स बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करूँगी कि क्या क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये बंटिंग्स बनाइएगा और मुझे टैग जरूर कीजिएगा, और सिटी या कंट्री जरूर टैग कीजिएगा, ठीक है ना. अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर.